आज के लेसन में हम दोबारा बात करने जा रहे हैं किसकी, हिंदी एंड उर्दू स्लैंग वर्ड्स। जो स्लैंग वर्ड्स हैं उनको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो बात सिंपल सी है, जितने भी लेक्चर प्रीवियस हैं उनको आप लाजमी देखें और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो ये आपका सारी मेहनत आपकी वेस्ट हो जाएगी। सो नोट्स बनाएं, प्रैक्टिस करें, उसको लिखें, बार बार बोलें, बोलने से आपकी लैंग्वेज इम्प्रूव होगी। तो आज का लेसन भी ऐसे ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको बड़ी अच्छी वोकैबुलरी मिलेगी जो कि हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, सेम वैसे नेटिव स्पीकर्स भी बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बोलते हैं और वो उस तरह के वर्ड्स नहीं बोलते, वो भी बोलते हैं। सो शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल टॉक विद इफे। सो लेक्चर इज अबाउट स्लैंग वोकैबुलरी। स्लैंग वोकैबुलरी, उर्दू हिंदी स्लैंग वोकैबुलरी, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। ओके, सो सबसे पहले वर्ड है, अब बात करते हैं हम जिसको कहते हैं ढक्कन। हम कहते हैं ना ढक्कन हो, तुम तो ढक्कन हो, राइट? सो ढक्कन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं डम्बो। क्या कहते हैं? डम्बो। ओके, सो इसी तरह वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं हुका। हुका आजकल मॉडर्न टाइम में लाइक अरब कंट्रीज में अरेबियन शीशा भी कहते हैं, अरेबियन शीशा। सो हुक्का मीन्स पास्ट में अगर चले जाएं तो इसको हुक्का कहा जाता था। तो इसकी हुक्के की क्या इंग्लिश है? इसकी हुक्के की इंग्लिश है हबल बबल। क्या है? हबल बबल। अच्छा, एक बड़ा कॉमन सा हमारे यहाँ एक वर्ड है यानी फूड से रिलेटेड, जिसका नाम है पकोड़ा। पकोड़े को अक्सर लोग मुझसे कई दफा पूछते हैं कि सर पकोड़े की इंग्लिश बताएं। देखें, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे कल्चर में हैं और इंग्लिश कल्चर में नहीं है, तो वो जो हमारे कल्चर में उसका नाम है वही ही उसका नाम होगा, वो चाहे नेटिव स्पीकर्स भी बोलें, टेक्निकली यही होगा। ओके, सो पकोड़े को आप पकोड़े भी कह सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं सर जी, हमें तो नाम चाहिए, हमने तो पूछना है नाम, इंग्लिश बताएं इसकी। तो अगर आप जबरदस्ती ही कोई चाहता है जी इंग्लिश हो, तो उसको आप कह सकते हैं फ्राइटर्स, राइट? फ्राइटर्स, तो आप इसको कह सकते हैं। एक और वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं गोलगप्पे। गोलगप्पे, गोलगप्पे जो हैं ये, वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ खाने का, लेकिन ये इंडिया पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। मैं मुझे अच्छे लगते हैं सिर्फ एक जगह के, एक यहाँ यूएई में, दुबई में एक फैमिली है, मैडम जसवंती हैं इंडियन, तो वो खिलाती हैं बड़े मज़े के गोलगप्पे, पर वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, तो मैं कभी कभी जाता हूँ वो खाता हूँ। सो एनीवे, तो गोलगप्पे की इंग्लिश क्या है? गोलगप्पे को आप गोलगप्पे भी कह सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर इंग्लिश में ही बोलना है तो आप कह सकते हैं क्रिस्पी शेफर इटन। क्रिस्पी शेफर इटन। ओके, सो इसी तरह जैसे अक्सर हम कहते हैं अपना अपना, गैर गैर, अपना अपना होता है, गैर गैर होता है, या अपना अपना गैर गैर, तो इसको हम प्रोवर्ब्स लाइक में कह सकते हैं ब्लड इज थिकर देन वाटर, राइट? सो इसी तरह कुछ और लव्स हम बोलते हैं, जैसे हम कहते हैं ना किसी को व्हेन वी कर्स समवन, किसी को अगर कर्स करना हो, कर्स करना हो तो हम कहते हैं लानत हो तुम पर। तो लानत हो तुम पर, नेटिव स्पीकर्स इसको कैसे बोलते हैं? वो दो तरीके से बोलते हैं, उनमें से कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक है जिनेक्स अपॉन यू, जिनेक्स अपॉन यू मींस लानत हो तुम पर, लेकिन जिनेक्स अपॉन यू ये यूज होगा सिर्फ लिविंग थिंग्स के लिए, मींस जिनके अंदर जान है उनके लिए होगा सिर्फ। अगर फॉर एग्जांपल आपने मींस मोटर बाइक है, आप मोटर बाइक चला रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, गर्मी में बंद हो गई, आप गुस्से में मोटर बाइक को कहते हैं लानत हो तुम पर, तो बेजान चीज को, या आपको चलते हुए चेयर आपके घुटने पर लग गई, आप
आपको पेन हुआ और आपने गुस्से में उस पर लानत दे दी। मीन्स इसी तरह कई ऐसी चीज़ें हैं, कंप्यूटर काम नहीं कर रहा या कुछ ऐसा है, फ़ोन काम नहीं कर रहा, कोई सॉफ्टवेयर, तो हम कहते हैं। तो एक और वर्ड होता है जो आप जानदार के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर लिविंग एंड फॉर नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसको कहते हैं फाई ऑन यू। क्या कहते हैं? फाई ऑन यू मीन्स लानत हो तुम पर। अब ये आप किसी के लिए भी आप यूज़ करें, चाहे उसके लिए चाहे उसके लिए। ओके, सो इसी तरह एक और वर्ड है, जैसे हम कहते हैं चवल। तुम तो चवल हो, तुम तो चवल हो, यू आर यैपर। चवल की इंग्लिश क्या है? यैपर। और जो मींस चवल की, और चवली मारना, चवली मारने को कहते हैं यैप। मींस जैसे कहते हैं ना, ओए चवली ना मारो को, चवली ना मारो, सो डोंट यैप हियर, यहाँ चवली ना मारो, डोंट यैप हियर। ओके, तो उसकी इंग्लिश होती है यैप। एक और इसी तरह वर्ड होता है किसी के बारे में, हम कहते हैं छोड़ू। वो तुम बड़े छोड़ू हो। छोड़ू को, छोड़ू की असल में दो तरह की इंग्लिश है। एक है ब्रैगर, मींस जो बंदा बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, बातें ज़्यादा प्रैक्टिकली कम। ब्रैगर, इज ब्रैगर मींस वो शेखी बिगाड़ने वाला है, बड़ी बड़ी बातें करने वाला है। ये है जर्नल इंग्लिश। अगर हम इसको लेके जाएं हम नेटिव स्पीकर्स जो स्लैंग में बोलते हैं, तो वो है रंबंक्शियस। क्या है? रंबंक्शियस, ही इज रंबंक्शियस, वो छोड़ू है। यू आर रंबंक्शियस, तुम छोड़ू हो, आई एम नॉट रंबंक्शियस, मैं छोड़ू नहीं हूं। ओके, सो इस तरह आप लोगों ने इस पर प्रैक्टिस करनी है। तो इसी तरह एक और वर्ड होता है उसका है रिप ऑफ। एक वर्ड है रिप ऑफ। रिप ऑफ, रिप ऑफ का क्या मतलब है? रिप ऑफ का मतलब है फ्रॉड या ओवरप्राइस्ड, फ्रॉड या फिर ओवरप्राइस्ड। तो या ओवरप्राइस्ड है यानी, या फ्रॉड या ओवरप्राइस्ड मींस कीमत ज्यादा बताना। लाइक इसको हम यूज करेंगे दैट ब्रांड will rip off you, that brand will rip off you means वो brand आपको लूट लेगा, right? यानी नचोड़ लेगा। okay, तो इसी तरह कुछ और words होते हैं, जैसे हम कहते हैं sick। एक word होता है sick। sick को जो हम common हम आज तक जो जानते हैं वो हम use करते हैं means बीमार। लेकिन ये स्लैंग में इसको हम इस तरह भी इसको यूज किया जाता है मींस बैड टेस्ट, हैविंग बैड टेस्ट यानी उसका टेस्ट अच्छा नहीं है। ओके, सो लाइक किसी चीज के बारे में हम कहते हैं जब किसी चीज का टेस्ट अच्छा ना लगे और उसको एक्सप्रेस आप करना चाह रहे हैं, तो फिर आप कहेंगे योक। योक जो है ये भी एक स्लैंग वर्ड है। यक, इसका मतलब ही यही है कि आप किसी चीज को करें मजा नहीं आया, मींस यक। यक द पिज्जा इज सिक, द पिज्जा इज सिक मींस पिज्जे का जो टेस्ट है वो बहुत ही बुरा है, मजा नहीं आया। ओके, सो इसी तरह एक और वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं फॉर रियल। फॉर रियल, फॉर रियल का मतलब होता है या तो हम कहते हैं ट्रू या जेन्युइन। फॉर रियल, ट्रू और जेन्युइन। सो इसकी एग्जांपल क्या है? आई वाज नॉट एट होम फॉर रियल यस्टरडे, आई वाज नॉट एट होम फॉर रियल। ओके, सो यानी ये इसकी एग्जांपल है कि मैं कल सच मींस हकीकत में मैं घर नहीं था, जेन्युइनली मैं घर नहीं था। ओके, यानी ये इसकी एग्जांपल है। अच्छा, एक और हम कहते हैं बड़ा जबरदस्त, अक्सर लोग कहते हैं किसी को कहना हो ना चमचा, और चमचा है वो तो चमचा है, वो तो अपने बॉस का चमचा है, वो तो उसका चमचा है। तो चमचे की इंग्लिश क्या होगी? चमचे की इंग्लिश होती है ब्राउन नोजर, ब्राउन नोजर। So he is a brown noser of his boss. He is brown noser of his boss. वो अपने बॉस का
चमचा है। तो इसी तरह एक और वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं जैसे बहरूपिया। क्या कहते हैं? बहरूपिया। बहरूपिया की इंग्लिश क्या होगी? बहरूपिया की इंग्लिश होगी इंपोस्टर। इंपोस्टर, ही इज एन इंपोस्टर, वो एक बहरूपिया, बहरूपिया है। ही इज एन इंपोस्टर, वो एक बहरूपिया है। सो ये बड़े मजे के अल्फाज थे, तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। ओके, सो इसी तरह आप अगर हमारे साथ रहेंगे और हमें अप्रिशिएट करते रहेंगे, तो हम आपके लिए बहुत और भी अच्छी अच्छी लेक्चर्स लेके आएंगे, अच्छे लेसन्स लेके आएंगे, जिससे आपको बहुत ही फायदा होगा। लेकिन सबसे बेसिक चीज़ क्या है, जो एक बुनियादी शर्त है, वो ये है कि आपने लेक्चर्स पूरे देखने हैं, मिस नहीं करने, और प्रैक्टिस करने हैं। प्रैक्टिस इज वेरी नेसेसरी, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, सो दैट्स ट्रू। सो आप लोगों ने प्रैक्टिस क्लास में करनी है, डोंट मीन्स बी लेजी एट ऑल। ओके, सो होप यू विल बी विद अस। सो सी यू सून, थैंक यू वेरी मच।